मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके चले गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भांजे थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी आप पर ईमान लाए और अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता फरमाई। लूत अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जिस कौम में लड़कों से बदफेली का रिवाज था। जब लूत अलैहिस्सलाम उस कौम की तरफ गए तो लूत अलैहिस्सलाम की दावत को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर उनके मुख्तलिफ अल्फाज के साथ नकल किया है। अतअतून अलफाहिशता मा सबककुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जहान में कभी भी किसी ने नहीं की। अतअतून अज़्ज़ुकरान मिनल आलमीन। तुम मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। वतज़रून मा खलक लकुम रब्बुकुम। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है औरत है उसके पास नहीं जाते। तो लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब समझाया 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 तो कुरान कहते हैं, कौम कहती है कि आप हमारी बस्ती छोड़कर चले जाएं, अगर आपको हमारे अमल पे एतराज होता है लतकूनन्ना मिनल मुखरजीन, हम आपको अपनी बस्ती से निकाल देंगे। लूत अलैहिस्सलाम और उनका घराना वो बड़ा नेक था सिवाय उनकी बीवी के। याद रखो पैगंबर की बीवी कभी बदकार नहीं होती, काफिर हो जाएगी, बदकार नहीं होती। हदीस से बात साबित है, बोले तुम इन निकाहिन ला मिन सिफाहिन, इसलिए नहीं होती कि इससे नसब क्या हो जाता है पैगंबरों का। बोलो ना भाई, बीवी खयानत करे तो नसब किसका खराब होगा, शोहर का ना। तो अल्लाह पैगंबर को कभी ऐसी औरत नहीं देते जो जिना कर ले, क्योंकि इससे पैगंबरों का नसब क्या होता है, खराब। और पैगंबर का नसब खराब होने का मतलब क्या है कि अल्लाह के सफीर से अब लोगों का एतमाद खत्म। तो काफिर हो जाएगी मगर बदकार नहीं होती। इसी तरह याद रखो अल्लाह ने हमें इजाजत दी ईसाई औरत और यहूदी औरत से भी शादी की, हालांकि वो काफिर होती है मगर बदकार औरत से निकाह को पसंद नहीं किया। मेरे पास कोई केस आता है कि बीवी जिना करती है, उसके नाजायज ताल्लुकात हैं, मैं कहता हूं ताल्लुक फौरन क्या कर दो, इसको तलाक दे दो, क्योंकि तलाक नहीं दी आगे नसब बच्चे में क्या होगा, नसब में क्या होगा, शुबा पैदा हो और तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मर्द के जानी होने से भी बहुत बुराई आती है, बहुत गंदा अमल है, खानदान तबाह होता है, औरत और बच्चों पे बुरे असरात पड़ते हैं, लेकिन नसब खराब नहीं होता उससे। औरत के बदकार होने से क्या होगा, नसब में क्या पैदा हो जाएगा, शक पैदा हो जाएगा। इसलिए शरीयत ने मर्द अगर जिना करे चार गवाह होंगे तो उसको सजा दी जाएगी, औरत जिना करे चार गवाह होंगे तो सजा दी जाएगी, लेकिन अगर शौहर जिना करे चार गवाह नहीं है तो बीवी सजा नहीं दिलवा सकती। मगर बीवी गुनाह करे जिना करे चार गवाह नहीं भी हैं तो शौहर लियान के जरिए सजा दिलवा सकता है। समझ में नहीं आ रही बात। इसलिए कि शौहर ने अगर जिना किया तो बीवी का नसब थोड़ी खराब हो रहा है, इससे औलाद पर शुबा नहीं आ रहा, लेकिन बीवी अगर जिना कर रही है तो शौहर का नुकसान क्या हो रहा है, बच्चों में नसब में गड़बड़ पैदा हो रही है ना, शुबा पैदा हो रहा है। तो इसलिए यहां शरीयत ने मर्द को हक औरत की निस्बत ज्यादा दिया है कि मर्द अपनी बीवी पे जिना की हद जारी करवा सकता है कि इसने मुझसे जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी कर की है, लेकिन औरत अपने शोहर पे जिना की हद जारी नहीं करवा सकती जब तक चार गवाना हो उसके पास। बात आ रही है समझ में। तो इसलिए औरत के लिए यह अमल इसलिए ज्यादा बुरा है कि इससे नसब में क्या पैदा होता है, खल्प। तो पैगंबरों की बीवियां काफिर तो गुजरी हैं मगर जानी नहीं गुजरी। तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी में बुराई यह थी कि वो जिना तो नहीं करती थी मगर वो लोगों को पता बताया करती थी लड़कों का कि फलां इलाके में खूबसूरत लड़का है। कोई भी उसको होता है ना कि ये वाला काम कि तुम उधर पहुंच जाओ ऐसा करो। जिना तो उस कौम में वैसे ही नहीं था, औरत की रगबत ही नहीं थी। तो लूत अलैहिस्सलाम के जितने अहलो आयाल थे सब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मानते थे। अल्लाह ने उस खानदान को इस बुराई से बचाया लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी आपकी बीवी होकर लोगों को लड़कों का पता बताया करती थी। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को बता दिया कि जब अजाब आएगा
तो आपके पूरे खानदान को बचाऊंगा, मगर आपकी बीवी को नहीं बचा, ये हलाक होगी उसी अजाब। तो कुरान के अब अल्फाज देखें, लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हमें रगबत ही नहीं है औरत में। तो कुरान के अल्फाज देखें कि अल्लाह ताला ने खूबसूरत लड़के भेजे, यानी फरिश्ते भेजे खूबसूरत लड़कों की शक्ल में। वो फरिश्ते पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, हजरत इब्राहिम ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया, वो तो जानते नहीं थे, वो क्योंकि इंसानी शक्ल में आए थे। अभी वो आके बैठे ही हैं, कुरान कह रहे हैं फमा लबिथा अंजा अबी इजलिन हनीज, के अचानक भुना हुआ बछड़ा लाके उनके सामने रख दिया। हालांकि जब कोई मेहमान घर में आता है, पहले आप पूछते हैं भाई कैसे आना हुआ, कहां से आना हुआ, और खैरियत, खाना खाएंगे, ये पूछते हैं ना। लेकिन कुरान में जहां भी ये वाकया बयान हुआ कि वो आए हैं इंसानी शक्ल में, अभी बैठे ही हैं कि भुना हुआ बछड़ा सामने, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सखावत को हाईलाइट किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात कि भाई उनको ये अंदाजा हो गया है तो ये इस इलाके के नहीं, क्योंकि मैं इनको पहचानता नहीं हूं, तो भूख लगी रही होगी तो पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो तकल्लुफ में मना कर दें, भुना हुआ बछड़ा फौरन साम। और बछड़ा, हम बकरे को रोते हैं और वहां क्या हुआ, हालांकि गरीब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम बछड़ा लाके रख दिया, ले वही खाया। हमारे यहां क्या होता है, एक साहब कहने लगे मैं गया अपने रिश्तेदारों के घर, उन्होंने कहा आपने खाना खा लिया, उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा नहीं, कहने खाया होता तो चाय पिलाता आप, कहने खाने से भी गए और चाय से भी, खाने से भी गए और चाय से भी गए। अच्छा खैर, तो फमा लबिसा, अभी ठहरे ही नहीं है कि बना हुआ बछड़ा सामने लाके रख दिया। फलम मारा अईदियहुम ला तसिलु इलैहिम, जब देखा कि इनके हाथ इसकी तरफ बढ़ते ही नहीं है। भाई जब ऐसी चीज सामने लाके रखी जाती है इतनी मजे की, तो तीन हालतें होती हैं, या तो आपको भूख लग रही होती है तो आप खाते ही हो पेट भर के यार, दूसरा आपको भूख नहीं भी लग रही होती तो फिर भी आप कहते हो इतनी मजे की चीज है, चारने वाले तो ले लो, और अगर फिर भी दिल नहीं कर रहा तो आप मेजबान की मेहनत की कदर करके खाते हो कि इसने इतनी मेहनत से बनाया, एक निवाला भी नहीं खाऊंगा तो इस पे क्या गुजरेगी। लेकिन कुरान कह रहा है कि जर्रा बराबर भी हाथ नहीं बढ़ा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खौफजदा हुए कि ये तो बिल्कुल भी हाथ नहीं बढ़ा रहे, कि दुश्मन तो नहीं है ये, क्या है। इसलिए कि उस जमाने में दस्तूर था कि जो जिस घर में खाना खा लिया करता था फिर वहां से दुश्मनी, दुश्मन कभी नहीं खाना खाता था, वो कहते यार हम जिस प्लेट में खाना खाएं उसी में छेद करें, ये कैसे हो सकता है, हम तो लड़ने के लिए आए हैं ना, तो हम खाना क्यों खाएं, हमारे यहां खाओ पियो तमीज से बैठ के फिर उसकी जेब से बटवा निकाल के चले जाओ। ऐसा ही होता है, बाज दफा मेहमान घर में आता है, उस खाएगा पिएगा रात गुजारेगा और दराजों में घुस के चीजें निकाल के निकल लेगा यहां से, ऐसा भी होता है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गए कि ये कोई नुकसान पहुंचाने आए हैं, अजनबी हैं, इस इलाके के भी नहीं है, पता नहीं क्या मुझे नुकसान ना पहुंचा दें। तो औ जसमिनहुम खीफा قالوا لا تخف, कहने लगे घबराइए मत, इन्ना रसूल रब्बिक, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, इंसान नहीं है, हमारे लिए बछड़ा और पत्थर बराबर है, ये कुछ भी नहीं है, इसका हम रगबत ही नहीं है हमें इन चीजों की तरफ, भाई क्यों आए हो फिर। कहने लगे हम फरिश्ते हैं इंसानी शक्ल में आए हैं आपको खुशखबरी देने के लिए, और पहले अपना असल मकसद बताया कि हम आए हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए। अभी हम यहां से कहां जाएंगे, कौम लूत के पास, और उस कौम को हम तबाह कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम झगड़ने लगे, अल्फाज देखें कुरान के, युजा दिलुना, हमसे झगड़ने लगे, किससे, अल्लाह से। असल में झगड़ते नहीं, यानी वो बार बार ये कहने लगे कि किसी तरह वो कौम बच जाए, तो इतना अल्लाह के पीछे पड़े कि अल्लाह ने उस अमल को झगड़ने से ताबीर किया। जैसे कोई भिखारी हमारे पीछे पड़ जाए ना बार बार, अल्लाह के हम कहते हैं यार तू तो फड्डे पर आ गया है, हालांकि भिखारी तो नहीं लड़ता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि किसी तरह ये कौम तबाही से बच जाए, तो फिर कहने लगे उसमें तो कौम लूत भी हैं और उसमें तो उनके अहलो आयाल भी हैं। अल्लाह ने फरमाया नहनु अअलमु बिमन फी, हमें पता है कौन कौन है, किसको बचाना है, आप उसकी फिक्र ना करें। इन्ना इब्राहिम लअवाहुन हलीम, अल्लाह फरमाते इब्राहिम बड़े नरम दिल और बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने वाले थे, वो चाह रहे थे कि कौम तबाह ना हो। फिर बशारत दी गई उनको कि हम आपको भी एक खुशखबरी देने के लिए आए हैं, और वो खुशखबरी क्या है कि अल्लाह आपको औलाद देगा। वो औलाद कौन होगी, इसहाक,
पैगंबर होंगे, और इसहाक के फिर औलाद होगी याकूब। ये दोनों, आपका बेटा भी पैगंबर और आपका पोता भी पैगंबर। अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी सुनाई तो आपकी जो जौजा थी हजरत सारा वो बूढ़ी हो चुकी थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी जो आपकी पहली बीवी थी। वो दरवाजे के किनारे पे खड़ी हुई तो फसक्कत वजहहा, उन्होंने अपना माथा ऐसे करके, जैसे बूढ़ी औरतें नहीं हाय नास और कहने लगे या वही लता, हाय बदबख्ती, हाय तेरा नास हो, ऐसे कहते हैं ना, अरे नास हो तेरा, कैसी बातें कर रहे हैं, अलीदू मैं बच्चा जनूंगी, वह अना अजूजुन मैं बिल्कुल बुढ़ी हो गई, वह हादा बाली शेख और ये वाला मेरा मियाँ, इशारा करके कह रही और ये मेरा मियाँ जो बूढ़ा हो चुका है, यानी कैसी बातें कर रहे हो। तो फौरन फरिश्तों ने कहा अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, तुम्हें अल्लाह के फैसलों पर एतराज हो रहा है, ताज्जुब हो रहा है, रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, कि ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह की रहमतें और बहुत सारी बरकतें, तुम आम लोगों की तरह नहीं हो, तुमने तौहीद के लिए कुर्बानियां दी, तुमने हिजरत की है भाई, और ये मेरे खलील हैं, तो तुम्हारे आमाल ऐसे हैं कि तुम्हारे सामने ऐसा हो जाना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। तो फिर वो कौम आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देके, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस खुशखबरी के बाद अल्लाह ताला से कहा कि वो कौम को क्यों हलाक कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया अरिदन हादा, ए इब्राहिम इस बात को छोड़ दे, इन्नहु कद जाअ अम्रु रब्बिक, तेरे रब का फैसला हो चुका है, अल्लाह उस कौम को तबाह करेगा लाजम। तो फिर वो फरिश्ते सफर करके गए हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ, वो तो एकदम से पहुंच गए होंगे जब आसमान से नीचे इतनी आराम से आ गए, तो लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ चले गए वो। लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला, मेहमान आए हैं, उनको बिठाया, और जैसे ही लूत अलैहिस्सलाम की नजर उन नौजवानों पे पड़ी, बड़े खूबसूरत लड़के थे, नौजवान थे, तो लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे आज का दिन बहुत सख्त गुजरेगा मुझ पर। जैसे ही उनको देखा ना, लोग तो मेहमान से खुश होते हैं ना, पैगंबर तो, लेकिन पैगंबर उनको देख के खुश नहीं हो कि मेरी कौम को पता ना चल जाए तो ये मेरे मेहमान हैं, मेरी कौम मुझे रुसवा कर देगी इनके सामने, इनसे बदकारी करेगी। तो बहुत परेशान होकर कहने लगे ये बड़ा सख्त दिन है जो आज मुझ पर आया है। कुरान कह रहा है वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, जो शहर के लोग थे वो खुशियां मनाते हुए आ गए, और लूत अलैहिस्सलाम के घर का उन्होंने क्या कर लिया, घेराव। अब लूत अलैहिस्सलाम, पैगंबर जो है ना, जो भी गैरतमंद आदमी होता है वो मेहमान के बारे में बड़ी गैरत रखता है कि कोई मेहमान घर में बैठा हो उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझता है। लोग कहते हैं ना भाई जो भी करना हो बाहर जाके लड़ो, ये जब तक मेरे घर में है तो मेरा मेहमान है ये। अब लूत अलैहिस्सलाम परेशान, जो शहर वाले लोग आए और आके कहने लगे कि अवलम ननहका अनिल आलमीन, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहा उलाई ज़ैफी, ये मेरे मेहमान हैं, फला तफ़ज़हून, मुझे इनके सामने रुसवा मत करो, इनकी रुसवाई किसकी रुसवाई है, मेरी रुसवाई, और हा उलाई बनाती इन कुंतुम फाइलीन, ये मेरी बेटियां हैं इनसे निकाह करो। उलमा ने लिखा है कि सगी बेटियां भी हो सकती हैं, और ज्यादा गालिब यह है कि अम्बिया चूंकि रूहानी बाप होते हैं ना, तो इस हवाले से अपनी कौम की बेटियों को उन्होंने क्या कहा, अपनी बेटियां का, इनसे निकाह करो तुम। तो वो जवाब में क्या कहने लगे, अवलम ननहका अनिल आलमीन मा लना फी बनातिका मिन हक्किन, आपको पता है कि हमें औरत से निकाह में रगबत नहीं है, क्यों मशवरे दे रहे हो शादी करो, क्यों आप मशवरे दे रहे हो हमको। और दूसरा ये कि अवलम ननहका अनिल आलमीन, आपको पहले ख्याल करना चाहिए था, आपको जब हमारी आदत का पता है तो ये बात आपको पहले सोच लेनी चाहिए थी कि आप ऐसे लोगों को घर में दाखिल, आपने ऐसे लोगों को घर में, इतने खूबसूरत नौजवान लड़के, आपने इनको घर में दाखिल होने क्यों दिया। अब देखो उल्टा तंज किस पे कर रहे हैं, और उधर कुदरत का फैसला क्या है कि इनको गुनाह में मस्त होने दो। उलमा ने लिखा है कि किसी इलाके में अगर गुनाह आसान हो जाए तो ये अल्लाह की रहमत की दलील नहीं है, बल्कि ये इसकी अलामत है कि अब अल्लाह ने पकड़ने का फैसला कर लिया है। क्योंकि अल्लाह की कुरान में जगह जगह आता है सनस सदरी, जो हम जब गुनाहगार को पकड़ते हैं ना तो उसको मोहलत देते हैं, उसको गुनाह उसके लिए क्या कर देते हैं, आसान। पहले मुश्किल होता है गुनाह ताकि ये तौबा कर ले, मुश्किल हो इसको गुनाह में, फिर अल्लाह उसके लिए क्या कर देते हैं। कोई जिना करता था और जनाब उसको यहां जिना मुश्किल हो रहा था, उसका जनाब यूरोप के किसी मुल्क का वीजा लग गया, अब वहां कोई पूछने वाला नहीं, वो समझता है अब अय्याशी करूंगा, ओ भाई अब तेरे
घिर जो है ना, घेरा क्या हो रहा है, तंग हो रहा है। तो इतने खूबसूरत नौजवान तो उन्होंने कभी देखे नहीं थे, तो वो इतने खूबसूरत नौजवानों को देखकर मदहोश हो गए और वो समझ रहे हैं कि गुनाह का रास्ता आसान हो रहा है। हालांकि ये आसानी अल्लाह इसलिए कर रहा था कि अल्लाह की हुज्जत इन पर, बोलो भाई, तमाम हो जाए और अल्लाह इनको पकड़े इस अजाब में। तो अभी लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि निकाह करो, वो कह रहे हैं, और निकाह का मशवरा लूत अलैहिस्सलाम क्यों दे रहे हैं ये भी समझने की चीज है। लूत अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे चार महीने के लिए तबलीग में निकल जाओ, क्या ख्याल है, खानका है वहां जाओ अपनी इसलाह कराओ, ये भी तो कह सकते थे ना, अल्लाह अल्लाह करो, नमाजें पढ़ो, इससे तुम्हारे दिल में ये बुराई क्या हो जाएगी, खत्म। ना ना ना, ये नेचुरल तरीका इलाज का। अरे भाई, एक आदमी गुर्बत की वजह से चोरी कर रहा है तो असल क्या है कि हलाल तरीके से उसका पेट भरने का इंतजाम कर दो तो चोरी छोड़ देगा ना भाई। एक आदमी को भूख लगती है, पैसे नहीं है रोटी खरीदने के, अब वो जा जाके कभी उसकी रोटी चुरा रहा है, कभी उसकी रोटी चुरा रहा है, आप उसको तबलीग में भेज रहे हैं। तो भाई असल ये है कि इसको कोई जॉब दिलवा दो ताकि ये हलाल तरीके से पेट भरेगा, तो दो पराठे जब अपने पैसों से खरीद के खाएगा तो चोरी का पराठा कोई फ्री में भी देगा तो फिर तो हदीये में भी कोई पराठा देगा। तो जब आपका पेट हलाल से भर जाता है, फिर अगर कोई आपको बुलाता है कि खा लें, आप कहेंगे भाई पेट भरा हुआ है और कितना खाऊं, यही होता है ना। तो लूत अलैहि सलाम की ख्वाहिश अल्लाह ने हर शख्स में रखी है, अगर इस ख्वाहिश को हलाल तरीके से इस्तेमाल करोगे तो हराम के लिए बचेगी नहीं है, इतनी थोड़ी ख्वाहिश होती है इंसान में, बचेगी नहीं फिर ये हराम के लिए। इसलिए लूत अलैहि सलाम उनको मुहासबों और मुराकबों का नहीं कह रहे, उनको क्या कह रहे हैं, निकाह करो ताकि ये जब इधर से जायज तरीके से पूरी होगी तो इधर से तुम्हारी तवज्जो हटेगी। आज मुसीबत हमारे साथ ये है कि नौजवान तबके गुनाहों में पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पर फोश फिल्में देख रहे हैं, बेहुदा फिल्में देख रहे हैं, लड़कों से बदकारी की बीमारी फैल रही है, जिना फैल रहा है, लेकिन इसके वो तरीके बताए जाते हैं जो मौसर नहीं है। तबलीग में भेज देंगे, उस तबलीग में जाना बहुत जरूरी है, मगर उसके लिए ज्यादा जरूरी निकाह है, शादी पहले फिर जाए तबलीग में। वो इस हालत में तबलीग में चला गया, फायदा यकीनन होगा, लेकिन ऐन मुमकिन है वहां किसी को खराब करके आ जाइए, होता है ऐसा भी, वहां भी किसी को खराब करके आ सकता है। तो भाई जो अल्लाह ने जाए पहले किसको फोकस करो। एक साहब का फोन आया, फौज में बड़े ऑफिसर हैं, वो जमात में गए हुए थे, तो वहां मस्जिद में एक नौजवान जो उसकी 25 साल उसकी उम्र थी, वो नौजवान आया, कहने लगा कि मुझे ना ये बीमारी है, मैं फोश फिल्में देखता हूँ और नेट पर ये काम और उल्टे काम, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो कहते हैं कि वो उनको एक साहब ने कहा कि आप हमारे साथ जमात में वक्त लगाएं। तो कह रहे मैंने उससे कहा कि भाई तुम शादी करो पहले, अब इख्तलाफ हो गया, मैं कह रहा हूँ, वो मेरे बयान सुनते थे, कह रहे हम कह रहे हैं कि निकाह करो, वो कह रहे हैं कि चिल्ले के लिए जाओ। मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा इससे कहो निकाह करो, कुछ वक्त बीवी के पास गुजारो, फिर चिल्ले के लिए चले जाओ। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले चिल्ला फिर निकाह। मैंने कहा ना ना ना, ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि ये इसी हाल में, और उस शादी के लिए वो कर भी सकता था, उसको कोई तरगीब देने वाला नहीं था, वो समझ रहा दुनिया का सबसे फजूल काम क्या है, शादी है। तो अगर उसको ताखीर कर दी तो मुमकिन है जो रिश्ता उसका होने वाला है वो हाथ से निकल जाए, और ये भी मुमकिन है इस 40 दिन के दौरान जब एक आदमी गुनाह कर करके चंद दिन वक्फा होता है ना, तो और भर के आता है फिर वो फिर क्या हो जाता है, पूरा अंदर से एटम बम बन के आता है वो, ठीक है ना। 40 दिन तक उसने गुनाह नहीं किया तो वो ऐसा उसके दिल में चिल्ले के दौरान गुनाह के ख्यालात आएंगे कि वो कहेगा बस किसी तरह चिल्ला खत्म हो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। ये भी बाज़ दफा उल्टा भी हो जाता है, मैं ये नहीं कहना हमेशा ऐसे होता है, बाज़ दफा तो तौबा करके आता है, लेकिन बाज़ दफा क्या होता है और उल्टा असर हो जाता है। तो भाई जो हल अल्लाह उसके रसूल ने बताया है वो क्या है, सबसे पहले क्या है, निकाह करो, कुछ वक्त बीवी के साथ गुजारो, फिर चिल्ले पे खुद भी जाओ, बल्कि मैं कहता हूं फिर बेगम को भी लेके जाओ, फिर बेगम को भी लेके जाओ। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा पसंद किया है इस अमल को कि जो जब मियां बीवी का निकाह हो तो अल्लाह ये चाहते हैं कि अब इनका हर काम क्या होना चाहिए, मुश्तरक। देखो तहज्जुद में तन्हाई पसंद है ना अल्लाह को, लेकिन बीवी वाली के बगैर तन्हाई हो ये पसंद नहीं है। हदीस में आता है अल्लाह उस शख्स को देख के हंसते हैं जो रात को आखिरी हिस्से में खुद भी उठता है और अपनी बीवी को उठाता है, वो ना उठे तो गालिबन पानी की छींटे मारने का है ना, पानी की छींटे मार के उसको उठाता है और वो दोनों साथ मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, और उस औरत की को भी देखकर अल्लाह हंसते हैं। ये हंसना किनाया, बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि जो तहज्जुद के लिए उठती है उसका मियां पड़ा हुआ है तो वो उसको भी उठाती है, वो नहीं उठे तो पानी की छींटे मार के उठाती है और वो दोनों मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़। हालांकि तहज्जुद में तो तन्हाई मतलूब है ना, अकेले हो,
لیکن یہاں جہاں سب سے زیادہ تنہائی چاہیے وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں بیگم کیا ہونی چاہیے؟ ساتھ. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. کیوں؟ اور قرآن کے الفاظ دیکھو, آج جو ہم نے سورت پڑھی ہے تراویح میں, یوم یفر المرء من اخیہ, یہ ٹیکنیکل باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں, ان کی قدر کرو. قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا ایسا وحشت والا دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. بھائی کو اللہ نے کیا کہا؟ بھائی. وصاحب یوم یفر المرء من اخیہ و امہ, اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا. وہ کہے گا بھائی میں اپنے آپ کو بچاؤں, یہ اماں کہاں سے آ گئی ہے اس مصیبت میں, اماں گئی, میری نیکیاں نہ مانگ لے مجھ سے, یہ ڈر ہوگا, بس اپنے آپ کو بچاؤ. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, و امہ, اپنی ماں سے دور بھاگے گا, و ابیہ, اپنے باپ سے دور بھاگے گا, و صاحبتہ, یہاں بیوی نہیں کہا بیوی سے, بلکہ اس سے جس کے ساتھ یہ رہا کرتا تھا. نہیں یاری بات سمجھ میں میرا خیال. حالانکہ رہتا تو بھائی کے ساتھ بھی ہے, رہتا تو باپ کے ساتھ بھی ہے, رہتا تو ماں کے ساتھ بھی, لیکن بیوی کے لیے صاحبہ کا لفظ, صاحبہ کہتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ عورت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھلتر کی طرح چپک گئی ہے اب یہ تمہارے ساتھ. جب شادی ہوتی ہے نا تو مقصد کیا ہے؟ اب یہ پھلتر کی طرح, اب حج پہ بھی جا رہے ہو تو اس کو بھی لے کے, عمرے پہ جا رہے ہو تو اس کو لے کے, صحابہ میدان جہاد میں جا رہے ہیں تو بیوی کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ شریف آدمی کی علامت ہوتی ہے, کہیں تفریح پہ جا رہا ہے تو بیگم اس کے ساتھ پھلتر کی طرح چپکی ہوئی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پکنک پہ ادھر ادھر آنکھ مٹکو کی کوشش, اس کو پتا ہوتا ہے فرشتے شاید میری ایسی نگرانی نہ کریں جیسی یہ کر رہی. تو برائیوں سے بھی بچتا ہے انسان, اور سفر میں جانے کے بعد انسان میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے, شہوت پیدا ہوتی ہے گھر سے دوری کی وجہ سے, اس کے ناجائز طرف جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ بیگم تو ہے نہیں, اور خطرہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے شہر میں, اپنے ملک میں تو آدمی برائی کرتے ہوئے ڈرتا ہے نا کہ پکڑا جاؤں گا, لوگ بولیں گے تو یہاں کیا کر رہا ہے بھائی, تو وہی ہے نا جو ادھر رہتا ہے گولے گھنٹے کی دکان کے ساتھ رہتا ہے, تو پکڑ لیتے ہیں. کسی اور ملک میں کون, کس کو کیا پتا کون ہے. تو زنا کی طرف جانے کے امکانات کیا ہوتے ہیں, تو وہاں بیگم اگر ساتھ ہوگی تو نگرانی بھی ٹائٹ والی ہوگی. ویسے فرشتے زیادہ نگرانی کرتے ہیں, ایک میں مثال دے رہا تھا, نگرانی بھی کیا ہوگی, کیونکہ کلپ بنا دیتے ہیں لوگ کہ اس نے بیگم کو فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ کہہ دیا, تو کفر دار اسلام سے خارج ہو گیا. تو نگرانی بھی ٹائٹ والی ہوگی اور برائی کے جذبات بھی پیدا نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے اس کو میں نے کہا بیٹا اس کی شادی کرا دو, اور اس کو بولے دلہن کو لے کے کہاں نکل لے, چلے پہ نکل لے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, نکاح کرو نکاح, لیکن وہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں رغبت نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم, وہ نشے میں مدہوش تھے, انہیں پیغمبر کی قسم پرسی اور ان کی بیچارگی پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا. اور ادھر لوط علیہ السلام کہہ رہے تھے لو ان بی قوتن, کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, میرا کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا تو میں آج تم سے انتقام لیتا, میں کمزور ہوں کچھ نہیں کر پا رہا. میں قبیلہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے بھائی, خاندان بڑا ہونا بھی اللہ کی نعمت. وہ تو ہجرت کر کے آئے تھے نا لوط علیہ السلام, اس لیے وہاں کوئی بڑا خاندان ہی نہیں تھا ان کا. تو جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی, دیکھو اللہ بھی کیسا آزماتے ہیں اپنے بندوں کو, اللہ پہلے ہی لوط علیہ السلام کو بتا دیتے, اتنا پریشان ہونے سے پہلے بتا دیتے کہ یہ کیا ہے, فرشتے ہیں یہ لڑکے تھوڑی ہیں, لیکن اللہ نے نہیں بتایا کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں, تھوڑا سا ان کو تڑپنے دیتے ہیں, یہ تڑپنے دو تھوڑا سا ان کو. تو اب جب پریشان ہوئے تو پھر اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی کہ اب اپنا راز فاش کر دو. فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک, اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں, لن یصلوا الیک, یہ ہرگز تیری طرف نہیں پہنچ سکتے, یہ آ ہی نہیں سکتے یہاں, بہت طاقت دی اللہ نے ہمیں, یہ تو ہم اس روپ میں آئے ہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہو رہا, ہمیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم ایک ہاتھ پہ اس زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹخ دیں. فرشتوں کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں. اب کرنا کیا ہے, فاسری بی اہلی کا بقیت من اللیل, رات کے تھوڑے سے حصے میں اس گھر میں آپ کے جتنے اہل و عیال بچے اور والدین جو بھی ہوں گے ان سب کو لے کے آپ نکل جائیں. ہوگا کیا, گھیراؤ ہے, اللہ ان کی آنکھیں اندھی کر دے گا,
इनको आप बाहर निकलते हुए नजर नहीं आएंगे, और ये इसी तरह खुशियां मनाते रहेंगे। ये तबशिरून है ना, ये खुश रहेंगे, हालांकि आप घर से बाहर जा चुके होंगे, सिर्फ हम घर के अंदर होंगे, ये इसी तरह खुशियां मना रहे होंगे, इनको आप बाहर जाते हुए नजर नहीं आओगे। और दूसरी बात क्या है, लूत अलैहिस्सलाम इतने परेशान थे ना कि फरिश्तों ने कहा कि जैसे ही सुबह सादिक होगी तो ये सुबह सादिक इन पर क़यामत बन के नाजिल होगी और इनके लिए अजाब का पैगाम लेके आएगी। लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग हो चुके थे कि वो परेशान थे कि सुबह सादिक में कहीं ज्यादा वक्त तो नहीं है, तो बहुत टाइम हो जाएगा उस दौरान ये कुछ करना लें। तो वो फरिश्तों ने कहा इन्ना मौइदहुमुस सुबह अलैसा सुबहु बिकरीब, इनसे जो वादा किया है ना अल्लाह ने अजाब का, वो सुबह का वादा किया है, क्या सुबह करीब नहीं है? आप झांक के देखें, सुबह सादिक का वक्त अभी आने ही वाला है। ये तो पूरी रात इनसे जो बहस मुबाहिस हुई इसमें रात का बहुत हिस्सा गुजर चुका है, सुबह सादिक का वक्त बस आना ही चाहता है। कुरान कहता है हाँ, और ये कहा वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप अपनी कौम को बता दें जो ईमान लाए कि अजाब आएगा, लेकिन आप इस बस्ती से दूर भागें, अजाब आएगा लेकिन आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, अल्लाह के अजाब को अपनी आंखों से नहीं देखना। और फिर बता दिया कि आपकी बीवी भी आपके साथ जाएगी लेकिन वो पीछे मुड़ के देखेगी, क्योंकि उसके शुबा है ना कि पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो ईमान वाले हैं वो कहेंगे कि जब पैगंबर ने बता दिया कि अजाब आ रहा है और मना कर दिया पीछे देखने से, तो बस मत देखो, यकीन कर लो कि अजाब आ रहा है। वो तो पैगंबर की बात पे यकीन करेंगे ना, लेकिन जिसके दिल में शक होगा वो कहेंगे एक दफा थोड़ा सा गर्दन घुमा के देख लो कि ऐसे ही तो नहीं भाग रहे बिला वजह, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो बीवी है वो तो साथ तो रहेगी वो शौहर के, तो वो इस नियत से निकल आई कि भाई जहां शौहर जा रहे हैं मैंने भी वहीं रहना है। लेकिन वो फिर उसने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा कि अजाब आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ही पीछे मुड़ी है एक पत्थर उसके भी सर पे आके लगा और वो भी वही हलाक हो गई। अल्लाह कहते हैं ऐसी पत्थरों की बारिश बरसाई है, मुसव्वमतन इंदा रब्बिक, वो एक एक पत्थर पर लिखा हुआ था कि ये किसके सर पे जाके लगेगा। और फिर क्या किया है, पत्थरों की बारिश होने के बाद फरिश्तों ने उस जमीन को उठाया। कुरान कह रहा है फजालना आलिया साफिलाहा, क्या अजीब अल्फाज हैं, कुरान की बलागत है, फरमाया हमने जमीन के ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया, ऐसा जलजला आया कि सब हलाक हो गए। और फिर अल्लाह ने कुरान में जब ये आयतें नाजिल की तो कुरान में बताया कि वइन्नकुम लतमुर्रून अलैहा, कि तुम जब तिजारती सफर के लिए शाम और दूसरे इलाकों के लिए जाते हो तो लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के खंडरात आज भी तुम्हारे करीब से गुजरते हैं, आज तक उस बस्ती के खंडरात के निशानात मैंने बाकी रखे हुए। पूरी कौम को अल्लाह ने हलाक कर दिया। और लूत अलैहिस्सलाम उस कौम से कहते थे इन्नी लियामलिकुम मिनल कालीन, तुम जो ये गंदा अमल कर रहे हो गवाह रहना इस पर कि मैं इस अमल पर खुश नहीं हूं। इससे पता चलता है कि जब आप बुराई देखें तो बुराई अगर आप छुड़वा नहीं सकते कम से कम बरात का ऐलान कर दें कि भाई ये आपका हेडिक है, हम इस अमल को पसंद नहीं करते। मेरे पास एक शख्स का फोन आया कि यूके के लिए मुझे वीजा मिल रहा है लेकिन वीजे में शर्त यह है कि अपने आप को गे लिखवाना पड़ता है, मैं हूं नहीं लेकिन झूठ मूठ लिखवा सकता हूं मैं। मैंने कहा मेरे भाई अव्वल तो हमें जो मालूमात हैं वो ये कि सिर्फ लिखवाने से काम नहीं चलता, वो बाकायदा टेस्ट करते हैं कि खानदानी बेशरम या बेगैरत है या नहीं है, वो टेस्ट से अंदाजा लगाते हैं कि झूठ तो नहीं बोला। और मैंने कहा ऐसी बात, झूठ मूठ लिखवाना भी गैरत के, ये तो अगर कोई हो भी तो भी ये कह के मैं नहीं हूं, नहीं यारी बात, ये कोई फखर की चीज थोड़ी है। अगर आपने अल्लाह ने करे चोरी की, लोग आपसे पूछे आप चोर तो नहीं है, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खानदानी चोर हूं माशाल्लाह, ये तो अल्लाह का बड़ा फजल है। भाई चोरी की भी है तो अपने गुनाह को छुपाए ना भाई, ALP 813 टैंकर खड़ा हुआ है ये हटा दें, किसी की गाड़ी खड़ी हुई है वो टैंकर की वजह से वो गाड़ी नहीं चला पा रहे, तो आप बताओ शरीयत में गुनाह को छुपाने का हुक्म है ना, अपने गुनाह पे को भी छुपाने का हुक्म है। अगर आपने जिना किया और कोई आपसे पूछता है आपने जिना तो नहीं किया, इस्लाम में इजाजत नहीं है बताने की कि हाँ मैंने किया है, आप बोलो भाई तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम कौन होते हैं पूछने वाले, ये भी ना कहें कि मैंने नहीं किया और ये भी ना कहें कि मैंने किया है। अब ये भी ना क्यों नहीं कहें कि मैंने नहीं किया, इसलिए कि हमारे हजरत से किसी शख्स ने पूछा कि वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैं तुम तहज्जुद पढ़ते हो, तो हजरत ने फरमाया आप उससे बोलें कि तुम्हें क्या जरूरत है मुझसे पूछने की मैं पढ़ता हूं कि नहीं पढ़ता है, इसलिए कि आज वो पूछ रहे हैं तहज्जुद पढ़ते हो, आप कहेंगे हां पढ़ता हूं, वो कहेगा कभी किसी कोई बदकारी तो नहीं किसी से, तो अगर बिलफर्ज आपने की होगी तो आप कहेंगे क्यों पूछ रहे हो, कहेंगे अच्छा जब तहज्जुद का पूछ रहे थे तो उस वक्त तो बता दिया था, आप लोग की जब समझ में नहीं आ रहा तो उसकी कहां समझ में आएगा।
भाई वो कहेगा जब तहज्जुद का पूछा तो आपने बताया हाँ पढ़ता हूं, और जब मैंने पूछा कि कोई उल्टा काम तो नहीं किया जिंदगी में, तो अब आप कह रहे हो मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो उसूल यही है कि कोई अच्छाई का पूछे या बुराई का, जो आपका पर्सनल मामला है वो किसी के सामने शो करने की इजाजत नहीं है। उलमा ने यहां तक किताबों में मसला लिखा है कि अगर हुकूमत ने आपको बुलाया, बादशाह ने, अब तो हुकूमत तो ये काम के लिए नहीं बुलाएगी आपको, उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या हैं। पहले बादशाह क्या करते थे, वो समझते थे कि बुराई खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, तो वो बाज दफा बंदे को बुला के पूछते थे तुमने जिना तो नहीं किया, अगर वो कहता था किया है तो फिर उसके कोड़े लगाते थे। तो उलमा ने लिखा है अगर बादशाह को इस किस्म की कोई खारिज की बीमारी है, कोई गवाह है नहीं, कोई या तो हो ना कि लोगों ने गवाही दी हो, खुद से आके लोगों से तफ्तीश कर रहा है कि भाई तुमने ये तो नहीं किया, तो उलमा ने यहां तक लिखा है कि इस शख्स के लिए झूठ बोलना जायज है, वो कहते मैंने नहीं किया, इसलिए कि बादशाह को इतनी लोगों के अंदर घुसने की इजाजत नहीं है कि जाके खुद से पूछ रहे तूने चोरी तो नहीं की, तूने ये तो नहीं किया, तूने वो तो नहीं किया, और पकड़ पकड़ के लोगों के चित्रण लगाता रहे। तो जब अल्लाह ने वो गुनाह छुपा दिया तो दूसरा क्यों उस गुनाह को जाहिर करे। तो यहां पर शरीयत ने इजाजत नहीं दी अपने गुनाह को लोगों के सामने जाहिर करना। तो मैंने उससे कहा मेरे भाई यूरोप के वीजे के लिए ये कहना झूठ के मैं गे हूं, ये बड़े, मैंने कहा अगर आप सच्ची मुच्ची में भी हो तो आप इस पे रो, अल्लाह के सामने जाके गिड़गिड़ाओ, अल्लाह ये गंदी आदत मुझे पड़ गई मुझसे छुड़वा दे, और जैसे तूने पर्दा डाल दिया मेरे गुनाह पे पर्दा डाल दे। मैंने कहा अगर सच्ची मुच्ची में भी हो तो उनके सामने इकरार नहीं करना, ये बहुत ही ज्यादा बेशर्मी की अलामत, ये कोई काबिल फख्र थोड़ी कि मैं हूं तो मुझे भेज दें आप, मैं आपके मयार पे माशाल्लाह पूरा उतरता हूं। और इससे अंदाजा लगाओ इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है, कितनी अच्छी कौमें हैं, कितनी जहीन कौमें हैं, लेकिन इस्लाम ना होने की वजह से कैसे बहक गए कि सारे दुनिया के जितने भी वो हैं ना इस टाइप के, जिनको उर्दू में बड़ी मशहूर गाली है मगर वो मिंबर पे नहीं दे सकता, इस किस्म के लोगों को स्पेशली क्या दिया जाता है। तो कुछ दिनों में ऐसे ममालिक इन लोगों के मुल्क बन जाएंगे, आई बात समझ, जो हम गाली देते हैं ना लोगों का तू ऐसा है, तो सारे इस किस्म के लोग तो पूरी पूरी रियासतों में ऐसे लोगों को जमा किया जा रहा है। ये अकल पे उनके यहां भी बहुत से लोग इसको अच्छा नहीं समझते। आपको पता है एक दफा यूके की असेंबली में, लंदन की असेंबली में जब ये बिल पास हो रहा था ना कि इसको अलाउ, इजाजत दी जाए, तो वो इसके नाजायज होने की उनके पास कोई दलील नहीं थी अकल के लिहाज से, वो कहते क्यों गलत है ये। तो वहां हमने बड़ों से सुना कि असेंबली में एक गोरा बैठा हुआ था, उसने उस वक्त ये कहा कि काश हमारा मजहब इस्लाम होता तो हम इसको गलत साबित करते कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये चीज सही नहीं है, क्योंकि हमारा मजहब मजहबी रियासत नहीं है, तो अब हमारे पास इसको नाजायज करने के लिए कोई दलील नहीं है कि क्यों गलत है, इसलिए मजबूर होकर इसको क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ समझ रहे हैं इस पर पाबंदी लगाना। तो इस्लाम बहुत जबरदस्त चीज है जिसने आपको बहुत सारी गंदगियों से रोक दिया, और इस्लाम मुसलमान अल्लाह के सामने हथियार डाल देता है, अल्लाह जब तूने कह दिया गलत तो अब सही नहीं हो सकता। तो भाई जिसको भी ये बीमारी लगी है अल्लाह का वास्ता, अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम करो, हजरत हकीम अख्तर साहब के खुलफा हैं बहुत सारे, उनसे बैत हो जाओ, जामत रशीद में बहुत सारे उलमा हैं जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब के खुलफा में से हैं, उनसे बैत हो जाओ, और बड़े बड़े मशाइख हैं उनसे जाके बैत होकर उनको लिख के दो कि मुझे में बीमारी है, मुझे कोई तरीका बताएं कि ये बीमारी मुझसे छूट जाए। तो जो शख्स छोड़ना चाहता है वइन्नी लगफ़ारु लिमन ताबा व आमना व अमिल सालिहा, अल्लाह कहते हैं मैं ऐसे शख्स के लिए मेहरबान हूँ, गफ़ार हूँ जो इधर आना चाहता है, और अगर इसी पर राजी हो तो करते रहो। फिर ये याद रात रखो ये बुढ़ापे में भी ये बीमारी नहीं छूट, बदनाम हो जाओगे, जलील हो जाओगे, लोग उंगलियां उठाएंगे कि ये गंदा आदमी, औलाद उंगलियां उठाएंगी कि हमारा बाप बुरा, ये बुराई छुपती नहीं है, ये पकड़ा जाता है इंसान कहीं ना कहीं। अल्लाह ताला हम सबको इस बुराई से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने बच्चों की भी निगरानी किया करें, यहां तक निगरानी करें कि ये जो कजन जब 10 साल के हो जाते हैं इनको एक बिस्तर पे सोने की इजाजत, बोलो भाई नहीं। माएं इस बात का ख्याल करें कि जब आपका बच्चा 7-8 साल का है तो उसको कजनों के साथ भी तन्हाई में जमाना होने दें। खवातीन इस बारे में बेपरवाह होती हैं, वो क्या करती हैं 6-7 साल का बच्चा है तो वो कजन ले गए उसको कोई, जो है ना ज्यादातर बीमारी ये कजनों से फैलती है बता दूं मैं, कजन में कोई एक भी गंदा होगा ना वो, क्योंकि उनसे इंसान बेतकल्लुफ होता है। हमारे पास जो केसेस आते हैं ना जब उनकी तहकीक में जाओ तो अक्सर में क्या होता है, कजन में कोई ये खराब है ना वो सबसे पहले किसको निशाना बनाता है, अपने कजन, और उनसे लोग एहतियात भी नहीं करते कि ये तो भाइयों की तरह है। तो वो क्या मसला करते हैं कि वो अपने कजन को ले जाएगा कहीं तन्हाई में, माएं कह रही हैं कि बच्चों के साथ खेल रहा है, वो हाथ लगाता रहेगा उसकी आहिस्ता आहिस्ता आदत को क्या कर देगा,
खरा। तो बाप हर वक्त बच्चों के साथ नहीं होता, माँ की जिम्मेदारी है जब अपने 6, 7 साल, 8 साल के बच्चे को या इसकी बड़ी उम्र 15 साल अपने बच्चों के साथ कहीं अपने मैके जाएं या कहीं भी जाएं तो बच्चे पर नज़र रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कज़न इसको तन्हाई में लेके कहीं जा रहे हों। बच्चों को, अपने बच्चों को कज़न के साथ एक बिस्तर पर सोने बोल लो भाई। मैं ये नहीं कह रहा सारे कज़न गलत होते हैं, एक गलत की वजह से 100 के साथ एहतियात करनी पड़ती है। अरे जो भी किसी औरत की तरफ देखता है तो गलत नहीं, इसे थोड़ी देखता है, लेकिन बहुत से देखते भी हैं तो उन एक की वजह से सबको कहा जाता है कि औरत देख के क्या किया करो, नजर झुक, इसी वजह से, वरना सारे को ठरकी थोड़ी होते हैं कि जिसको भी देख रहे गलत नहीं ऐसे देख रहे हैं। तो एहतियात तो चंद एक की वजह से सबको हुक्म दिया जाता है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप अपने पैसे अपने बटवे में छुपा के क्यों रखते हो? क्या ये सारे चोर बैठे हुए हैं यहां पे? अरे भाई एतकाफ वाले जितने यहां बैठे हुए हैं अपने मोबाइल भी छुपा के रखेंगे, हैं अपने पैसे भी बहुत लॉकर में डालेंगे और ये सारी, तो क्या ये सारे एतकाफ वाले चोर हैं? सबसे एहतियात की जाती है इसलिए कि कोई भी चोर हो सकता है जिसके चेहरे पे लिखा हुआ नहीं है, तो उस एक की वजह से सबसे एहतियात। तो यही उसूल वहां क्यों समझ में नहीं आता कि भाई अपने बच्चे को बचा के रखो लड़कों से, 100 में 1 अगर गलत हुआ तो हमें उस पर लिखा हुआ नहीं है, उस एक की वजह से बाकी 99 से भी एहतियात करनी पड़ रही। तो माएं खास तौर पर ख्याल करें अपने बच्चों का, जब जाती हैं ईद बकरीद पे मिलने के लिए कहीं भी रहती हैं जाके, अपने बच्चों को हिफाजत से रखें, कज़नों के साथ तन्हाई में जमा ना होने दें। सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक बिस्तर पे बच्चा कज़न के साथ सो जाए, ना ना ना। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है बेख्याली में इधर उधर हाथ लग गया, उससे जज्बात भड़क गए तो यहाँ से आदत शुरू हो जाती है, फिर यहाँ से आदत ख़राब होना शुरू हो जाती है। और बहन के साथ भी बच्चे को एक बिस्तर पर सोने ना दें। हाँ सगा भाई है और करीबुल उम्र हैं, उनमें ये खतरा ना होने के बराबर होता है। तो ये सब एहतियातें बहुत ज़रूरी है। आज मैंने बयान इसलिए लंबा कर दिया कि आज सेकंड लास्ट बयान है, कल आखिरी बयान होगा। तो ये चीज़ें चूँकि, और ये मैं पूरे महीने से इस पर बोलना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं उस वक्त बोलूँगा जब एतकाफ़ की एक बड़ी तादाद होगी, क्योंकि मैं इस मौजू को बहुत अहम समझता हूँ इस ज़माने में। अगर आपने, माँ बाप ने अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं किया तो भाई ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है, बच्चे ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।